क्लास 12 शारीरिक शिक्षा, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हम पढ़ रहे हैं। विकार खत्म हो चुका था, आज हम पढ़ेंगे अक्षमता शिष्टाचार। इससे भी आपको समझा दिया गया, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन। इसके पहले कुछ सार्वजनिक सूचना। इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, इनसे हमें बचना है, मास्क का प्रयोग करना है। घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें। बाहर की चीज़ों को खाने से परहेज करें, घर में बनी हुई चीज़ों का सेवन करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट योगाभ्यास या शारीरिक क्रियाएं अवश्य करें। अक्षमता शिष्टाचार। अक्षमता शिष्टाचार विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों से संपर्क करने के तरीके के साथ दिशा निर्देशों का समूह है। यह जानने से पहले कि अक्षमता शिष्टाचार है क्या, हमें कुछ मूलभूत बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई अक्षमता है तो हमें खुद से ही यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति की मदद की आवश्यकता है, बल्कि एक वयस्क दिव्यांग व्यक्ति यही चाहता है कि उसके साथ आम लोगों जैसा व्यवहार ही किया जाए। इसलिए हमें किसी भी दिव्यांग व्यक्ति की मदद के लिए तभी कहना चाहिए जब उसे सचमुच मदद की आवश्यकता हो। दिव्यांग व्यक्ति से सीधे ही बात की जानी चाहिए, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं। एक बार पुनः सुन लें। अक्षमता शिष्टाचार विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों से संपर्क करने के तरीके के साथ दिशा निर्देशों का समूह है। यह जानने से पहले कि अक्षमता शिष्टाचार है क्या, हमें कुछ मूलभूत बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई अक्षमता है तो हमें खुद से ही यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है, बल्कि एक वयस्क दिव्यांग व्यक्ति यही चाहता है कि उसके साथ आम लोगों जैसा ही व्यवहार किया जाए। इसलिए हमें किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को मदद के लिए तभी कहना चाहिए जब उसे सचमुच मदद की आवश्यकता हो। दिव्यांग व्यक्ति से सीधे ही बात की जानी चाहिए, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं। दिव्यांग व्यक्ति के साथ बात करते समय साइन भाषा की अपेक्षा, साइन भाषा अर्थात संकेत भाषा की अपेक्षा, उस व्यक्ति से सीधे बात करनी चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति के बारे में बात करते समय इन पुराने शब्दों का प्रयोग करने से बचें, जैसे शारीरिक अपंगता, हैंडीक्राफ्ट। उदाहरण के लिए, अंधा व्यक्ति कहने से बेहतर होगा यदि हम कहें वह व्यक्ति जो दृष्टिहीन है। किसी दिव्यांग व्यक्ति से मिलते समय अपना परिचय देने के लिए उससे हाथ मिलाना उचित है। किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से मिलते समय हमेशा अपनी और कोई अन्य भी साथ में हो तो उसका परिचय अवश्य कराएं। यदि कोई व्यक्ति व्हीलचेयर पर हो तो उसे हिलाने, धक्का देने का प्रयास बिल्कुल न करें, इससे किसी तरह की दुर्घटना घटित हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति जिसे बोलने में कठिनाई आती है, ऐसे व्यक्ति से बातचीत के दौरान सदैव उसे ध्यानपूर्वक व अच्छे से समझने एवं सुनने का प्रयास करें। धैर्यपूर्वक उसकी बातें पूरी होने दें और आम तौर पर ऐसे व्यक्ति से धीरे एवं लघु प्रश्न करें ताकि वह आराम से उत्तर दे सके। किसी व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति से बात करते समय खुद को उनके सामने रखें ताकि वह आसानी से बात कर पाए। किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर करने के लिए उसकी श्रवण क्षमता को कम हो उसके कंधे पर हाथ रखकर हल्के से दबा सकते हैं,
या अपना हाथ हिलाकर इशारा कर सकते हैं। हमें सदैव ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप करते समय उसी की तरफ देखना चाहिए तथा अपनी बात साफ व सरल रूप में रखनी चाहिए। किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से अपना परिचय देते समय अपना नाम अवश्य बताएं। किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से बातचीत करने के उपरांत जाने से पहले उस व्यक्ति को अवश्य यह बताएं कि आप जा रहे हैं, और जाने से पहले उस व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है यह अवश्य पूछ लें। किसी व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति के कंधे या सिर पर किसी प्रकार का दबाव न बनाएं, जैसे स्वयं के हाथ उनके कंधे पर रखकर झुकना आदि। एक बार फिर से सुन लें। दिव्यांग व्यक्ति के साथ बात करते समय उस व्यक्ति से सीधे बात करें। दिव्यांग व्यक्ति के बारे में बात करते समय पुराने शब्दों का प्रयोग करने से बचें, जैसे हैंडीक्रैफ्ट, अंधा, लंगड़ा इत्यादि। दृष्टि अंधे व्यक्ति को दृष्टिहीन कह सकते हैं। किसी दिव्यांग व्यक्ति से मिलते समय अपना परिचय देते समय उससे हाथ मिलाना उचित है, अतः उसे अवश्य हाथ मिलाएं। किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से मिलते समय हमेशा अपनी और यदि कोई अन्य आपके साथ में हो तो उसकी भी पहचान कराएं, परिचय कराएं। यदि कोई व्यक्ति व्हीलचेयर पर हो तो उसे हिलाने धक्का देने का प्रयास न करें, अन्यथा दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति जिसे बोलने में कठिनाई आती है, ऐसे व्यक्ति से बातचीत के दौरान सदैव उसे ध्यानपूर्वक व अच्छे से समझने का प्रयास करें। किसी व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति से बात करते समय खुद को उसके सामने रखें ताकि वह आसानी से बात कर पाए। किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से अपना परिचय देते समय अपना नाम अवश्य बताएं। किसी व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति के कंधे या सिर पर किसी प्रकार का दबाव न बनाएं, जैसे उसके कंधे पर झुकना। दिव्यांग बच्चों को शारीरिक गतिविधियों के फायदे। शारीरिक गतिविधियाँ किसी भी दिव्यांग बच्चे के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी हैं। पिछले 3 दशकों से हो रहे शोधों के परिणाम स्वरूप शारीरिक गतिविधियां करने वाले बच्चों के जीवन में गुणात्मक सुधार होते हैं, अर्थात जो दिव्यांग बच्चे शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं तो उनमें काफ़ी सुधार हो रहे हैं। शारीरिक रूप से भी उनमें सुधार होता है। शारीरिक गतिविधियों से इन प्रकार के बच्चों को कई फायदा होते हैं, जिनमें से कुछ फायदाएं निम्नलिखित हैं, जैसे शारीरिक सुधार। वे बच्चे जो संज्ञानात्मक विकार से ग्रसित हों और किसी प्रकार की शारीरिक अपंगता हो, जिन्हें कूदने चलने आदि में समस्या हो, उसके लिए शारीरिक गतिविधियां अत्यंत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। ऐसी गतिविधियां करने से उनमें शारीरिक रूप से सुधार होते हैं। इनसे उन्हें अच्छा दिखने की क्षमता का विकास होता है। शारीरिक गतिविधियां लचकपन क्षमता, सहन क्षमता एवं हृदय विकास को बढ़ाती हैं। ऐसी गतिविधियों को करने से उन दिव्यांग बच्चों को अपने विकार से लड़ने में सहायता मिलती है। शारीरिक गतिविधियाँ स्वस्थ रहने में मदद करती हैं। मानसिक सुधार। शारीरिक गतिविधियाँ न केवल बच्चों के शरीर को स्वस्थ रखती हैं बल्कि यह उनके मानसिक विकास में भी मदद करती हैं। शारीरिक गतिविधियाँ करने से बच्चों का मानसिक संतुलन सही रहता है। आत्मविश्लेषण। शारीरिक गतिविधियाँ विशेष बच्चों के लिए फायदेमंद साबित होती हैं, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने से बच्चों में आत्मविश्लेषण एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। शारीरिक गतिविधियां को करते समय जब एक बच्चा अन्य बच्चों से मिलता है, बात करता है, तब बच्चों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है, वह भी यह कार्य कर सकता है। तनाव और चिंता को कम करता है। शारीरिक गतिविधियाँ तनाव एवं चिंता के स्तर को कम करने में सहायक हो सकती हैं। संज्ञानात्मक फायदे। शारीरिक गतिविधियों से संज्ञानात्मक कौशल में भी सुधार लाया जा सकता है। ऐसी गतिविधियाँ इन विशेष बच्चों की मजबूती को बढ़ाती है, अर्थात स्ट्रेंथ्स को बढ़ाती है।
सामाजिक व्यवहार में सुधार। शारीरिक गतिविधियाँ विशेष बच्चों के बीच सामाजिक व्यवहार में गुणात्मक सुधार लाने में सहायक है। सामाजिक व्यवहार तब बनते हैं जब शारीरिक गतिविधियों में बच्चे एक साथ हिस्सा लें। मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक स्वास्थ्य में विकास। कुछ शारीरिक गतिविधियों से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होता है। स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम कम होना। शारीरिक गतिविधियों से विशेष बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि इन गतिविधियों को करने से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, भूख न लगना आदि का खतरा घट जाता है। एक बार फिर से सुन लें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। शारीरिक सुधार। वे बच्चे जो संज्ञानात्मक विकार से ग्रस्त हों और किसी प्रकार की शारीरिक अपंगता हो, जिन्हें कूदने चलने आदि में समस्या हो, उनके लिए शारीरिक गतिविधियाँ अत्यंत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। ऐसे गतिविधियाँ करने से उनमें शारीरिक रूप से सुधार होते हैं, उनसे उन्हें अच्छा दिखने की क्षमता का विकास होता है। शारीरिक गतिविधियाँ लचक क्षमता, सहन क्षमता एवं हृदय विकास को बढ़ाती हैं। ऐसी गतिविधियों को करने से उन दिव्यांग बच्चों को अपने विकार से लड़ने में सहायता मिलती है। शारीरिक गतिविधियाँ स्वस्थ रहने में मदद करती हैं। मानसिक सुधार। शारीरिक गतिविधियों ने केवल बच्चों के शरीर को स्वस्थ रखती हैं, बल्कि यह उनके मानसिक विकास में भी मदद करती हैं। शारीरिक गतिविधियाँ करने से बच्चों का मानसिक संतुलन सही रहता है। आत्मविश्लेषण। शारीरिक गतिविधियाँ विशेष बच्चों के लिए फायदेमंद साबित होती हैं, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने से बच्चों में आत्मविश्लेषण एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। शारीरिक गतिविधियों को करते समय जब एक बच्चा अन्य बच्चों से मिलता है, बात करता है, तब बच्चे में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। तनाव चिंता को कम करना। शारीरिक गतिविधियाँ तनाव एवं चिंता के स्तर को कम करने में भी सहायक हो सकती हैं। सामाजिक व्यवहार में सुधार। शारीरिक गतिविधियाँ विशेष बच्चों के बीच सामाजिक व्यवहार में गुणात्मक सुधार लाने में सहायक हैं। सामाजिक व्यवहार तब बनते हैं जब शारीरिक गतिविधियों में बच्चे एक साथ हिस्सा लें। मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक स्वास्थ्य में विकास। कुछ शारीरिक गतिविधियों से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार होता है। स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम कम होना। शारीरिक गतिविधियों से विशेष बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि इन गतिविधियों को करने से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, भूख न लगना आदि का खतरा घट जाता है। विशेष बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियाँ कराने की रणनीति। उन सभी विशेष बच्चों जिन्हें किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता हो, जैसे मूक, मधिर, दृष्टिहीन आदि को यह अधिकार है कि वह अपनी योग्यताओं को विकसित कर सकें। यहाँ कुछ रणनीतियों का उल्लेख किया जा रहा है जिनसे विशेष बच्चों द्वारा शारीरिक गतिविधियों को किया जा सकता है। स्वास्थ्य जांच। सर्वप्रथम सभी बच्चों की डॉक्टरी जांच कराना अत्यंत आवश्यक है जिन्हें किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता है, क्योंकि बिना मेडिकल जांच के शारीरिक शिक्षा सिखाने वाले अध्यापिका को यह कैसे ज्ञात होगा कि बच्चे को किस प्रकार का विकार है। यदि हम सचमुच चाहते हैं कि शारीरिक शिक्षा उन विशेष बच्चों के द्वारा की जाने लायक हो, उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि बच्चे को किस प्रकार की शारीरिक अयोग्यता है, अर्थात मेडिकल चेकअप हर हाल में होना चाहिए प्रत्येक बच्चे का। शारीरिक गतिविधियां बच्चों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। शारीरिक गतिविधियां बच्चों की रुचि, योग्यता, क्षमता, सीमाएं एवं उनके पूर्व अनुभव के आधार पर ही होनी चाहिए। और शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को बच्चे की योग्यता,
सीमाओं रुचि के बारे में गहन ज्ञान होना आवश्यक है, तभी यह गतिविधियाँ विशेष बच्चों द्वारा की जाने लायक बनाई जा सकेंगी। अर्थात प्रत्येक बच्चे की जानकारी शारीरिक शिक्षक को होनी चाहिए कि किस बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है। शारीरिक गतिविधियों से जुड़े उपकरण बच्चों के जरूरत के अनुसार हों। बच्चों की जरूरत के अनुसार ही सभी उपकरण अर्थात खेल की सामग्री व वस्तुएं होनी चाहिए। ये सभी उपकरण आकार, रंग एवं भार में अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि कई तरह के बच्चे होते हैं तो इनके उपकरणों के आकार, रंग और भार भी अलग अलग होने चाहिए। ये सभी उपकरण बच्चों के स्तर एवं क्षमता को ध्यान में रखकर प्रयोग किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे किसी बच्चे की आँखों की रोशनी कमज़ोर है तो गहरे चमकदार रंग की बाल का प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः अलग अलग प्रकार के उपकरणों की उपलब्धता होनी चाहिए। विशेष माहौल की उपलब्धता, शारीरिक गतिविधियों के लिए चुना गया क्षेत्र छोटा होना चाहिए। यदि विशेष बच्चों की चलने फिरने की क्षमता कम हो, विशेषता ऐसे बच्चों के लिए जो बेहद जल्दी थक जाते हों, कमज़ोर हों, उनके लिए एक विशेष खेल का मैदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें कुछ समय विश्राम करने की भी आवश्यकता पड़ती है। लाइटें और हल्का म्यूजिक भी अच्छा तरीका है। माहौल को बेहतर बनाने में कुछ बच्चों को ऐसा वातावरण अधिक प्रिय लगता है। निर्देशों को बताने समझाने के तरीकों में बदलाव, कई तरह की शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन करने के लिए अध्यापक द्वारा उसके निर्देशों को समझाने के तरीकों में बदलाव लाया जाना चाहिए। जैसे बोलकर समझाना, वीडियो फोटो दिखाकर समझाना, तो कभी कुछ ऑडियो क्लिप सुनाकर। इससे बच्चों में खुद से सीखने की क्षमता का विकास होगा, वह और भी ज़्यादा आत्मविश्वास की भावना जागृत कर सकेंगे। फिक्चर्स बुक का भी इस्तेमाल करना, बच्चों को निर्देश बताने आदि के लिए एक बेहतर विकल्प है। नियमों को बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से ही तय किया जाए। शुरुआती अवस्था में शारीरिक गतिविधियों के नियम सरल ही होने चाहिए, परंतु बाद में यही नियम बच्चों की ज़रूरत के अनुसार बनाने चाहिए एवं उनमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। किसी शारीरिक गतिविधि का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय व मौका दिया जा सकता है, और साथ ही साथ एक गतिविधि के करने के उपरांत उन्हें अतिरिक्त विश्राम करने का समय दिया जा सकता है। अर्थात ऐसे बच्चों के लिए नियमों में कुछ ढील दी जानी चाहिए। सामान्य बच्चों की अपेक्षा इनके नियमों में ढील होनी चाहिए। इन्हें खेल के दौरान बीच बीच में विश्राम का भी समय देना चाहिए। खेल को आकर्षण बनाने के लिए और उनमें आत्मविश्वास भरने के लिए समय समय पर इन्हें वीडियो क्लिप भी दिखाना चाहिए, म्यूजिक भी दिखाना चाहिए, सुनाना चाहिए। बच्चों के पूर्व अनुभव को जानना व उस पर विचार करना, शारीरिक गतिविधियों को और अधिक सरल विशेष बच्चों के लायक बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापक को शारीरिक गतिविधियों के विषय में बच्चों के पूर्व अनुभव की जानकारी लेनी चाहिए। अंत में यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त सभी रणनीतियाँ शारीरिक गतिविधियों को विशेष बच्चों के द्वारा किए जाने लायक बनाने में बहुत ही अहम योगदान दे सकती हैं। इन नीतियों को अपनाकर अक्षम व्यक्तियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, उनका विकास किया जा सकता है।